मंडार मोरवडा के राजस्थान सीमा की सरहद के वाशोल पाठिया पर सुबह 8 बजे पुलिस नाकाबंदी में हेड कांस्टेबल राजाराम कांस्टेबल भजन लाल पवन कुमार रंजीत कुमार जाप्ता के दौरान मंडार की तरफ से एक स्विफ्ट लग्जरी कार GJ1RS8889 नंबर की आती हुई दिखाई दी, जिसको नाकाबंदी में लगी पुलिस जाप्ता ने वाहन को रोकने का इशारा किया। इस पर उक्त वाहन के चालक ने वाहन को धीरे कर अचानक वाहन को तेज गति से भगाते हुए नाकाबंदी तोड़कर पुलिस जाप्ता के ऊपर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस जाप्ता की सतर्कता से अपना बचाव कर लिया। वाहन चालक ने नाकाबंदी पर खड़े लोहे के बैरियर को टक्कर मारते हुए माटासन की ओर भाग गए। वाहन में दो जवान युवक संदिग्ध लगने पर उक्त वाहन नहीं रोकने पर जब्ता द्वारा वाहन का लगातार पीछा जारी रखने से वाहन को खेतों की तरफ से कच्चे रास्ते से होकर बापला की तरफ भाग रहे थे। बदमाशों का लगातार पीछा जारी रखने दोनों बदमाश वाहन को खेतों में छोड़कर पैदल ही खेतों से भागने पर पुलिस जाप्ता द्वारा मंडार थाना अधिकारी को दूर अवगत कराने पर मंडार थाना अधिकारी कमलेश कुमार गहलोत, सहायक उप निरीक्षक भागीरथ सिंह, हेड कांस्टेबल गिरधर सिंह, कांस्टेबल जय सहित मैं जाप्ता मंडार से रवाना हुआ। इस दौरान कांस्टेबल रंजीत कुमार ने दूरभाष पर बताया कि दोनों बदमाश जुजापुरा की सरहद के खेतों में भागने का पीछा जारी है। पीछा कर रही पुलिस टीम पर बदमाशों द्वारा फायर किए जा रहे हैं। इसी दौरान कांस्टेबल रंजीत सिंह ने तत्परता दिखाते हुए गेहूं के खेतों में जमीन पर लेट गए, जिससे खेतों में काम कर रहे किसान मावा राम उम्र 30 साल जाति कोली निवासी जुजापुरा थाना मंडार के बदमाशों द्वारा किए गए फायर से उसके जांघ के नीचे एक गोली लग गई, जिस पर घायल बिना राम को तुरंत हेड कांस्टेबल राजा राम ने अस्पताल पहुंचाया। जानकारी मिलते ही पुलिस उप निरीक्षक नरेंद्र से देवड़ा मौके पर पहुंचकर बदमाशों को आसपास के खेतों में लगातार सघन तलाश जारी रखते हुए स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से बदमाशों की घेराबंदी कर दोनों बदमाशों को मैं पिस्टल कारतूस दस्तियाब किए जाने के बाद बदमाशों के नाम पते की जानकारी ली गई। मंडार पुलिस हाईवे पे नाकेबंदी कर रही थी, उसी दौरान एक गाड़ी स्विफ्ट तेज गति से आई, उसको रुकवाने का प्रयास किया तो रोकी नहीं और बदमाशों ने फायरिंग शुरू की। पुलिस जाप्ते ने उसका पीछा किया, उसमें से करीब 2 घंटे के पीछे के बाद में जाजपुरा माटासन गांव में बदमाशों को दबोच लिया। जब पुलिस पीछा कर रही थी तो बदमाश लगातार फायरिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक व्यक्ति खेत में गेहूँ काट रहा था तो वो फायर कर रहे थे बदमाश, उनकी बुलेट से उनकी गोली से उसके सीधा इंजर हुआ। उसमें से एक व्यक्ति, उसका नाम बिना राम है, जिसको तत्काल हॉस्पिटल से यहाँ सिरोही लाया, उसका इलाज करा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी कराएंगे।